जो हमारे जो एक डेमोक्रेसी है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार का सुपना पंजाब वासियों नूं सेहतमंद बनाउणा। इस दे तहत पंजाब सरकार वल्लों सीएम दी योगशाला दी शुरुआत कीती गई। इस मुहिम तहत पंजाब भर दे जिलियां च मुफ्त योग क्लासां चलाईयां जा रही हैं, जिस दा लोक लाभ लै के रोगां तों दूर रह रहे हन। मेरा नाम मधु अबरॉय है। जदों तों ए योगा क्लास शुरू हुई मैनूं बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने चीफ मिनिस्टर होना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने एक इन्ना अच्छा उपराला किया है क्लास हर पाक दे विच लगान दा। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। असी पंजाब सरकार दे बहुत धन्यवादी हाँ जिहड़ा उन्होंने नवा उपराला सीएम दी योगशाला शुरू की है, जिहदे नाल कि मन तन सारा स्वस्थ रहिंदा है। सूबे के 23 जिलों च हुण तक 2900 तो वध मुफ्त योग क्लासां चलाईयां जा रही हैं, जिसका 80,000 तो वध लोक लाभ लै रहे हैं। एक मिस कॉल मारनी है तुसी, असी तुहाडे कोले योगा दा टीचर भेजांगे, वो तुहानू उत्थे योगा कराऊगा और तुहाडे आले दुआले कोई होगा कोई ना कोई, और असी फ्री दे विचों भेजांगे ते तुसी महीने दो महीने तुसी अपने सेहत पक्खों भी फर्क नज़र आऊगा, क्योंकि असी चाहुंदे आ कि पंजाब सेहतमंद रहे। तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की? कल भी उन्होंने वहां पर कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही एक, मैं नई सांसद हूं लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की के ये जो ये कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर, आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने 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 होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता। जो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की? कल भी उन्होंने वहां पर कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही एक, मैं नई सांसद हूं लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की के ये जो ये कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर, आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कॉम्पिटिशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने 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 होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।